लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा 4 बॉडीज वहाँ पर पहुँचाई गई है। शहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 FIR पंजीकृत हुई है और ये 3 FIR जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या गिरफ्तार हो गया? देखिए अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। इस घटना के रिगार्डिंग जो पुलिस की प्रिपरेशन है और पुलिस का एग्जीक्यूशन है उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहाँ से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकले थे। हालांकि पथराव वहाँ हुआ था लेकिन ये जो सेकेंड घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहाँ पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे तो पुलिस का काफ़ी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा तो इस दौरान ये घटना हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर उसको कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बलबूते अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति पर। जो ये घटना हुई है उसके बाद में थाने के सामने जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फायरिंग हुआ है उस फायरिंग के बाद वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी हम लोगों को नहीं मिली। हमने सर्च किया वहाँ पर लेकिन बाद में अगले दिन जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा 4 बॉडीज वहाँ पर पहुँचाई गई है। अब ये PM रिपोर्ट के बाद में और जो फोरेंसिक एनालिसिस जब उनके बॉडीज पे जो है उसके बाद में पता लग पाएगा कि किसकी मौत किस वेपन से किस तरीके से हुई है।